सब्सक्राइब कीजिए कुकिंग विथ नीतू चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट कुकिंग वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ड्राई चिकन अफगानी की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनने वाला है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए ड्राई चिकन अफगानी बनाना शुरू करते हैं। चिकन अफगानी बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 1/2 किलो चिकन। इसे मैंने अच्छी तरह से 4-5 बार साफ़ पानी से वॉश कर लिया है और अब हम चिकन के ऊपर इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे ताकि चिकन के अंदर मसाले अच्छी तरह से घुस सके। सारे चिकन पे मैंने छोटे छोटे कट्स लगा लिए हैं, तो चलिए अब हम इसे मैरिनेट कर लेते हैं। सबसे पहले हम चिकन में नमक डालेंगे, तो यहाँ पर मैं 1 छोटी चम्मच नमक ले रही हूँ। आप अपने स्वाद के अनुसार ही नमक लें। गरम मसाला 1/4 चम्मच, काली मिर्च का पाउडर 1/4 चम्मच, 1/2 छोटी चम्मच हम इसमें चाट मसाला डालेंगे। 2 नींबू का रस मैंने निकाल कर ले लिया है, इसे भी डाल देंगे चिकन में। 1 छोटी चम्मच मैंने कसूरी मेथी लिया है, इसे हाथों से क्रश करके डालें। और अब हम इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, तो चलिए अब हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैं 3 से 4 हरी मिर्च ले रही हूँ, थोड़ी सी धनिया पत्ता, 1 मीडियम साइज के प्याज और 10 से 12 काजू। इन सबको हमें ग्राइंड करना है, तो एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और इसमें हम प्याज, हरी मिर्च, धनिया पत्ता और काजू डालकर इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। चिकन अफगानी को और भी रिच बनाने के लिए आप इसमें काजू के साथ बादाम भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो आप इसमें मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। और अब हम इसमें 1 बड़े चम्मच के करीब पानी डालेंगे और जार का ढक्कन बंद करके इसे बारीक पीस लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैंने इसे बारीक पीस लिया है। अब हम इस मिक्सचर को चिकन में मैरिनेशन के लिए यूज़ करेंगे, तो इसे हम चिकन में डाल देंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे 1 बड़े चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। और अब हम लेंगे 100 ग्राम के करीब दूध की मलाई, ये घर की मलाई है, इसे मैंने दूध के ऊपर से निकाल लिया है। इसमें मैंने थोड़ा सा दूध भी डाला है 1 चम्मच के करीब। और मलाई के साथ मैं ले रही हूँ 150 ग्राम के करीब दही। दूध की मलाई के जगह पर आप फ्रेश क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दही और मलाई को मैंने ब्लेंडिंग जार में डाल दिया है, अब हम इसे 2 से 3 सेकेंड के लिए ब्लेंड कर लेते हैं। दही और मलाई को मैंने ब्लेंड कर लिया है, तो अब हम इसे चिकन में डाल देंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे चिकन के साथ। तो देखिए, मैंने चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे और इसे मिक्स कर देंगे। चिकन को मैरिनेट करने के बाद हम इसे 1 से 2 घंटे के लिए ढककर रख देंगे, उसके बाद हम इसे पकाएंगे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप इसे इंस्टेंट बना सकते हैं। चिकन को मैरिनेट हुए 1 घंटे हो गए हैं, तो चलिए अब हम इसे पका लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन में 2 बड़े चम्मच तेल डाला है। तेल गर्म हो गया है, तो अब हम इसमें चिकन के पीसेस डालेंगे। तो एक एक करके सारे चिकन के पीसेस हम कढ़ाई में डालते जाएंगे। और यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम मीडियम हाई पर रखा है और मीडियम हाई पर ही हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए पहले पकाएंगे। तो देखिए, मैंने चिकन के सारे पीसेस इसमें डाल दिए हैं, अब हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर पका लेंगे। और ये जो मैरिनेशन का मिक्सचर बचा है इसे हम बाद में यूज़ करेंगे, तो इसे हम साइड में रख देते हैं और चिकन को पकने देते हैं। और यहाँ पर चिकन को पकते हुए 2 मिनट हो गए हैं, तो चलिए अब हम इसे पलट कर देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर इसका कलर बहुत अच्छा आया है। तो एक एक करके सारे चिकन को हम पलट देंगे। सारे चिकन को मैंने एक बार पलट लिया है, अब हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और लो फ्लेम पर ही हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए पका लेंगे। बीच बीच में आप इसे चेक करते रहें, नहीं तो ये जल जाएगा। तो यहाँ पर चिकन को पकाते हुए हमें 15 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि इसका कलर कितना अच्छा आया है। जैसा कलर हमें चाहिए वैसा ही कलर आया है। चिकन को मैंने लो फ्लेम पर ही पकाया है। चिकन अच्छी तरह से भून चुका है, तो अब हम इसमें बचा हुआ मैरिनेशन मसाला डाल देंगे।
इसे मिक्स कर देंगे और अब हम गैस का फ्लेम फुल कर देंगे और फुल फ्लेम पर ही हम चिकन को मसाले के साथ 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। तो इसे चलाते हुए हम 1 से 2 मिनट के लिए चिकन को मसाले के साथ भून लेंगे। 2 मिनट हो गए हैं चिकन को मसाले के साथ भूनते हुए, आप देख सकते हैं कि ग्रेवी की क्वांटिटी भी थोड़ी कम हो गई है। और अब हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और इसे ढककर लो फ्लेम पर हम 8 से 10 मिनट के लिए पका लेंगे। बीच बीच में हम इसे चेक भी करते रहेंगे। और यहाँ पर चिकन को पकाते हुए हमें लगभग 10 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि चिकन कितना अच्छा दिख रहा है, चिकन हमारा पूरी तरह से पक चुका है। अगर आपको चिकन में इस टाइप की ग्रेवी चाहिए तो आप इस स्टेज पे गैस ऑफ कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी चिकन को और 5 मिनट पकाऊंगी। आज मैं ड्राई चिकन अफगानी बना रही हूँ, इसलिए मैं अभी चिकन को और थोड़ा ड्राई करूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चिकन पूरी तरह से ड्राई हो चुका है, इसमें जो भी ग्रेवी था वो चिकन के ऊपर अच्छी तरह से कोट हो चुका है। तो अब हम गैस ऑफ कर देंगे और अब हम चिकन अफगानी में स्मोकी फ्लेवर देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी सी कटोरी ली है, इसके अंदर हम गर्म किए हुए चारकोल डाल देंगे और गर्म किए चारकोल के ऊपर हम थोड़ा सा बटर डालेंगे और पैन को कवर कर देंगे। जब तक धुआं निकलेगा तब तक हम पैन को कवर करके रखेंगे, इससे चिकन अफगानी में एक बहुत ही अच्छा स्मोकी फ्लेवर आता है। और यहाँ पर हमारा ड्राई चिकन अफगानी बनकर तैयार हो गया है। आप इसे हरी चटनी के साथ सर्व करें, यह बहुत ही मज़ेदार लगता है खाने में। तो आप भी इस ड्राई चिकन अफगानी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी।